मुंबई 1980 सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से दहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए राजवीर पास मत आना नहीं तो मैं गोली चला दूंगा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बंदूक नीचे करो स्टे अवे फ्रॉम इट अबे गन नीचे कीजिए राजवीर मैं बोल रहा हूं रुक जाओ चलाइए बंदूक राजवीर गन छोड़ो हवलदार पकड़ो उसको मुझे नहीं ठीक नहीं किया राजवीर एंट्री सिर्फ मेरी है चल राजवीर चल तुमने अच्छा नहीं किया राजवीर नंदिनी अब ठीक तो है ना मासा आप ठीक तो है ना मां हमसे भूल हो गई हमें एक बार मां कह के पुकारिए मां 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 हमें माफ कर दीजिए हमने आप पे भरोसा नहीं किया भरोसा तो हमने आपका खोया था बेटा हमने काम ही ऐसे किए थे बेटा आप हमेशा ही सही थे और नंदिनी बहू भी सही थी किसी ने सच ही कहा है बेटा सत्ता का नशा आंखों पर पट्टी बांध देता है पर अब वो पट्टी हमारे आंखों से खुल चुकी अब हम आपके नंदिनी बहू और अपने पूरे परिवार के साथ एक साथ रहना चाहते आपसे और नंदिनी बहू से ज्यादा खास और जरूरी हमारी जिंदगी में और कुछ नहीं है नंदिनी आप अब भी हमसे इतनी दूरी बनाकर खड़ी रहेंगी आपको गलत समझ के हमने बहुत बड़ी भूल कर दी बेटा हमें माफ कर दीजिए बेटा मां साहब बेटा भी कहती है और माफी भी मांग रही है आप मुझसे मुझे
बस आपका आशीर्वाद चाहिए। चलिए घर चलिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे। राजवीर, ये मंगलसूत्र नंदिनी बहू को पहनाई। हमारा आशीर्वाद हमारे बच्चों के साथ हमेशा है। है ना जी? नंदिनी बहू, आप कुशल मंगल वापस आ गए, हमारे तो जान में जान आ गई। अरे गायत्री बहू, आपके हाथ को क्या हुआ? दादी, नंदिनी को ब्लैंक वॉश करने वाला, चिट्ठी लिखने वाला और किडनैप करने वाला कोई और नहीं, अभय ही था। अभय? अभय? और जैसे ही हम वहां पहुंचे, उसने हमारे ऊपर गोली चला दी। पर फौरन मां सामने आ गई और उनके हाथ पे ये गोली लग गई। हे भगवान! गायत्री बहू, आप ठीक है ना? मासा, हमारी किस्मत अच्छी थी, बस गोली छूकर निकल गई। हम हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। ये अभय की हिम्मत तो देखो, हमारे कुंवर पे गोली चलाई और हमारे कुलवधु को किडनैप किया, उसकी तो खैर नहीं। हाँ मासा, अभय सिंह अब पुलिस कस्टडी में है, वो उनकी अच्छे से हजामत करेंगे। दादी, माँ ने अपनी जान की फिक्र ना किए बगैर हमारी जान बचाई, ये करके इन्होंने हमें दूसरा जन्म दिया। गायत्री बहू, हमारी वो बहू जो विजेंद्र कभी ब्याह कर लाए थे, उन्हें आपने आज वापस कर दिया है। कि यह परिवार फिर से एक साथ रह सके। हमने आज तक जो आप सबको इतनी तकलीफ दी है, हमें उसके लिए माफ कर दीजिए। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि अब फिर से एक परिवार की तरह एक साथ रहें। हाँ बिल्कुल, हम सब मिलजुल के रहेंगे, पुराने गिले शिकवे मिटाकर हम फिर से एक साथ रहेंगे। नंदिनी बहू, आप यही चाहती थी ना? जी दादी सा। आपकी कोशिशों की वजह से ये परिवार फिर से एकजुट है। थैंक यू नंदिनी बहू, हमें दोबारा हमारे परिवार से मिलाने के लिए। राजवीर बेटा, अब आपकी और नंदिनी की जिम्मेदारी सिर्फ इस परिवार के कुछ सदस्यों को एकजुट रखने की नहीं होगी, बल्कि एक बहुत बड़े परिवार को संभालने की होगी। उनकी इच्छाओं, उनके दुख दर्द, उनके सपने, सब कुछ देखना होगा। लेकिन गायत्री, आप किस परिवार की बात कर रहे हैं? मासा, हमने कल सुबह पीआरपी ऑफिस में एक मीटिंग रखी है, प्रोग्रेसिव रिपब्लिकन पार्टी की ओर से सीएम के कैंडिडेट का ऐलान करने के लिए।
माजवी जी, इतना सोचने की और ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है महासा आपको जबरदस्ती चुनाव लड़ने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। और उन्होंने ऐसा कुछ कहा भी तो नहीं ना? पर उन्होंने हमें पार्टी मीटिंग में तो बुलाया है ना नंदिनी, आप विमेन विंग की प्रेसिडेंट है, आपको उस मीटिंग में होना चाहिए, ये बात समझ में आती है। लेकिन हम, हमारी क्या जरूरत है? हमें तो ये सोचकर बेहद अफसोस हो रहा है कि इस मामले में हमने मां को हर बार डिसअपॉइंट किया। पर नंदिनी, हम लोगों के बीच भीड़ में हम खुद को कंफर्टेबल ही नहीं पाते, लगता है कि हम पब्लिक इंट्रैक्शंस के लिए बने ही नहीं। राजवीर जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे। आपने मासा को इलेक्शन कैंपेन में मदद करने के लिए हाँ कहा था ना, तो बस उसी सिलसिले में उन्होंने आपको मीटिंग में बुलाया होगा। और हाँ, आप प्लीज ये गिल्ट छोड़िए, आप मासा की हेल्प तो कर ही रहे ना, आप अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ी ना भाग रहे, तो बस उतना काफी है। नंदिनी, हाउ कैन यू बी सो क्लियर, आपने हमारी सारी दुविधाएं दूर कर दी। एक के दिल में अगर दुविधा हो तो दूसरे को तो क्लियरली सोचना पड़ेगा ना। और हाँ, जैसे आपका सहारा मैं और मेरा। आपने हमारी बात सुनकर हमें तो सहारा दे दिया, अब हमारे दिल की बात सुनकर हमारे दिल को सहारा दे दीजिए। राजीव जी, आप भी ना। गौर से सुनिए हमारा दिल क्या कह रहा है। हमने कुछ नहीं देखा। हमने कहा ना, हमने कुछ नहीं देखा। अब नंदिनी बहू, हमारी बात ध्यान से सुनिए। जी दादी सा। अपने पिताजी से दिव्या के पग फेरे के बारे में बात करिएगा। जी ठीक। आप भी ना। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग ऋतु। अरे वाह, क्या बात है, शादी के पहले दिन बहू रानी रसोई घर में। माँ, वैसे रिचुअल्स के मुताबिक शादी के बाद सारा खाना मुझे बनाना चाहिए ना? अरे बेटा, वो सब रीति रिवाज पुराने हो गए, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। जरूरत है माँ। माँ, मैं इस घर की बहू हूँ, ये मेरा फर्ज है और मेरा हक भी। चलिए आज मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ, ओके? अरे बहू रानी, लेकिन तुम्हें खाना बनाना आता भी है? नहीं आता है ना? लेकिन आप मुझे सिखाएंगी ना? लेकिन बेटा। माँ, अगर मैं अपने इस परिवार के लिए कुछ करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। हमारी प्यारी सी बहू रानी को किसी की नजर ना लगे। अब तुम जिद कर ही रही हो तो आज हम तुम्हें खीर बनाना सिखाएंगे, ठीक है? वाओ। जाओ फ्रिज में से दूध निकाल के लाओ। शाबाश, इसको याद रखो। सारी की सारी गड़बड़ हो गई। क्या हो गया पांडे जी? भाई, हमने तो सोचा था कि सास बहू का डेली सोप की तरह रोज का रोज नोक झोंक देखने को मिलेगा। हमने सोचा था कि तकरार होगी, नोक झोंक होगी, ड्रामा होगा और हमें खाने को कुछ मिले या ना मिले, पर बैठे बैठा है इंटरटेनमेंट का डोज मिलता रहेगा। क्या पांडे जी, आप भी ना। पर आप दोनों ने एक होकर सारा का सारा इसको भी खत्म कर दिया उसका। नहीं, आप तो कुछ नहीं मिलता। मिलेगा, घर का शुद्ध शाकाहारी भोजन।
कीजिए आप पकाइए आप लोग। हेलो हेलो पापा। हाँ नंदिनी बेटा बोलो क्या बात है। आप सब कैसे हैं? एकदम बढ़िया है हम। और पहले बताइए दिव्या कैसी है? बेटा सास बहू दोनों एक हो गई है हमें अकेला छोड़कर। अरे दोनों किचन में जुटी हुई है खाना पकाने में। देखा कितनी अच्छी बहू मिली है आपको। हाँ बेटा वो तो है। अच्छा बताइए दिव्या को पग फेरे के लिए कब भेज रहे? अरे बेटा जब कहो तब लेकर आ जाएंगे। पापा आपको हुआ क्या है? आप खुद हम सबको रीति रिवाज सिखाते हैं ना और खुद भूल गए? पग फेरे में लड़की अकेले मह के आती है। तो बेटा ऐसा है कि हम अपनी बहू को भेज ही नहीं रहे। भाई इतनी अच्छी बहू को कौन जाने देगा। अच्छा अच्छा ठीक है आप भी अपनी बहू को ड्रॉप करने आ जाइएगा। और हाँ पापा पग फेरे की रस्म आज ही कर लेते हैं। नंदिनी जल्दी कीजिए पार्टी ऑफिस जाना है। माँ वेट कर रही है। जी आ रही हूँ। अच्छा पापा मैं फोन रखती हूँ ऑफिस जाना है। ठीक है बेटा ठीक है। अरे सुनिए आंचल जी क्या हो गया? अरे जल्दी से दिव्या बेटा को तैयार कीजिए हम सबको पग फेरे के लिए चलना है और आप सब भी तैयार हो जाइए जल्दी कीजिए। अच्छे से तैयार होके चलना। हाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने आप सबको यहाँ अचानक क्यों बुलाया है। हमने एक अहम फैसला किया है जिसे हम आप सबके सामने रखना चाहते हैं। इलेक्शन से हम अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं। हमें पता था कि हमें आप लोगों से ऐसे ही कुछ रिएक्शंस मिलेंगे और हमें इस बात का भी अंदाजा है कि आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा जब हम पीआरपी के नए कैंडिडेट का ऐलान करेंगे जो हमारी जगह चुनाव लड़ेगा। माई ये आप बेटा हमारी उम्र हो गई है हम आराम करना चाहते हैं। पार्टी की बागडोर जवान हाथों में देने के साथ साथ हमें पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना ये बात आप अच्छे से जानती हैं। हाँ बेटा हम जानते हैं इसीलिए हम आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। हमें बेहद खुशी है कि हम पीआरपी की जिम्मेदारी बहुत ही लायक इंसान के मजबूत हाथों में दे रहे हैं नंदिनी बहू के हाथों में। नंदिनी बहू हमें नहीं पता आपको ये याद है या नहीं पर हमने आपको कहते हुए सुना था कि चावल पके हैं या नहीं ये देखने के लिए सिर्फ एक दाना ही देखना काफी है। चावल पका है या नहीं पका ये उसके एक दाने से जाना जा सकता है। वैसे ही इंसान की कोशिश और उसकी हरकत से जाना जा सकता है कि वो कितना सच्चा और नेक है। हमने आपको वुमेन विंग में बहुत खूबी के साथ काम करते हुए देखा वो भी घर चलाने के साथ साथ। आपने साबित कर दिया है कि देश की बेटियां घर चलाने के साथ साथ देश भी चला सकती हैं। हम पीआरपी को आपके सुपुर्द करते हैं। सत्ता में आकर देश की सेवा करने की काबिलियत आप रखती हैं नंदिनी। यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर सीएम। जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का। ये कोर्ट इस केस के अपराधी है फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.com